हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है NBC कंप्यूटर एजुकेशन। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो भी कंप्यूटर साइंस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में मास्टरी कैसे करें। और ये मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि मास्टरी करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक दो बैच पढ़ा लीजिए, या आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई छोटा सा प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर आप बना लीजिए जिसको यूज़ में लाया जा सके। तो यही दो तरीके हैं प्रोग्रामिंग मास्टरी करने के। ओके दोस्तों, तो पढ़ाने में तो सबका इंटरेस्ट नहीं भी होता, तो उनके लिए बेटर है कि वो उसमें प्रोजेक्ट बनाएं, सॉफ्टवेयर बनाएं। लेकिन स्टूडेंट कहते हैं जी प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, हमें तो प्रोजेक्ट के बारे में पी भी नहीं पता कि कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कैसे कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो क्या उसका फ्रंट एंड होता है, क्या बैक एंड होता है, क्या क्या उसके मॉड्यूल्स होंगे, क्या किस तरीके से शुरुआत होती है उसकी, ये हमने लास्ट वीडियो बताया था। ओके दोस्तों, तो जो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो हमारी लास्ट वीडियो देखें और समझें उसे कि प्रोजेक्ट किस लैंग्वेज में बनाएंगे हम, और क्या प्रोजेक्ट का टाइटल होगा, क्या बैक एंड होगा, क्या फ्रंट एंड होगा। जब तक आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इस वीडियो से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे दोस्तों। ओके, तो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उनमें कुछ फंक्शंस का यूज़ होगा जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, और हम अपने फंक्शन भी बनाना सिखाएंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक बिगनर्स की तरह। तो जब हम आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो बिना स्किप करे देखिए तसल्ली से, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको सिस्टम पे, आप उसको पहले समझिए देखिए, और उसके बाद फिर आप सिस्टम पे खुद भी उसका प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग दोस्तों कभी नहीं आएगी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल की चीज़ है, और प्रैक्टिकली आप अगर नहीं करेंगे तो फिर मास्टरी कैसे होगी दोस्तों। ओके, तो प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट कहते हैं जी हमें तो किसने बताया ही नहीं हम कैसे करें उसमें मास्टरी, या कैसे कैसे शुरुआत करेंगे। तो उसी उन्हीं के लिए हमारी वीडियोज़ हैं। अब वीडियो की जो हमने शुरुआत की थी प्रोजेक्ट की दोस्तों, वो लास्ट वीडियो से की, पार्ट वन, पहला आप वो देखें। और अब आप आज की जो वीडियो है हमारी, इस वीडियो में आपको बताएंगे जो कॉमन से फंक्शन है जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बताएंगे कुछ फंक्शन जैसे गेट केयर, गेट CHE या गेट CH, इस तरह के फंक्शंस हैं, तीन फंक्शंस हैं, या और भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इन तीन फंक्शंस के बारे में, और उसके बाद फिर दोस्तों हम बताएंगे बाकी और फंक्शंस भी। तो फिलहाल आप इनसे निपटिए कि गेट CHE, गेट CH और गेट केयर फंक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे ये काम करते हैं। ओके दोस्तों, आइए सिस्टम पे। दोस्तों हम बात करते हैं अब इन फंक्शंस की जिनका नाम है गेट केयर, गेट CHE और गेट CH। तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या काम ये करते हैं, ये देखिए दोस्तों। ये हैं इन फंक्शंस के नाम और उनकी हेडर फाइलों के नाम डेफिनेशन के साथ। ओके दोस्तों, तो पहला फंक्शन है गेट केयर, ये STDIO रोटर्स के अंदर होता है दोस्तों, और इसका काम है टू इनपुट ए सिंगल कैरेक्टर विद रिटर्न। मतलब आप एक कैरेक्टर इनपुट करोगे और वो कैरेक्टर आपको दिखाई भी देगा इनपुट करते टाइम, और उसके बाद आप एंटर भी करोगे। ओके दोस्तों, दूसरा फंक्शन है गेट CHE, ये है कॉन्यू रोटर्स के अंदर, और इसका काम भी वही है टू इनपुट ए सिंगल कैरेक्टर विद इको, यानी आपको दिखाई तो वो देगा बट विदाउट रिटर्न, लेकिन आपको एंटर करने का मौका नहीं मिलेगा। और तीसरा फंक्शन दोस्तों गेट CH, ये भी कॉन्यू रोटर्स के अंदर ही होता है, और इसका भी काम सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस है टू इनपुट ए सिंगल कैरेक्टर, के कैरेक्टर को इनपुट करेगा विदाउट इको, ना तो वो आपको दिखाई देगा इनपुट करते टाइम एंड विदाउट रिटर्न, और ना ही आपको एंटर करने का मौका मिलेगा। ओके दोस्तों, अब इस तरह थोड़ा कम समझ में आएगा, और इसको हम बताते हैं आपको इस प्रोग्राम की हेल्प से। ओके दोस्तों, ये देखिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, इसमें हम क्या करते हैं एक कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं, एंटर एक कैरेक्टर, एक वेरिएबल ले लिया और एक कैरेक्टर हमने इनपुट किया, और स्कैनफ की जगह हमने यूज़ किया गेट केयर। ओके दोस्तों, गेट केयर इस लाइन की जगह हम ये लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल बताते हैं हमें गेट केयर लगाने से क्या होगा, गेट CHE से क्या होगा, गेट CH से क्या होगा। ओके दोस्तों, फिलहाल गेट केयर को समझते हैं। तो जैसे रन करेंगे तो आउटपुट आएगा एंटर द कैरेक्टर, के कैरेक्टर प्रेस करो। सपोज आपने ए प्रेस किया, अब जैसे ही कैरेक्टर ए प्रेस करके एंटर करोगे तो दो काम होंगे, एक तो ये कैरेक्टर मेमोरी में जाएगा CH वेरिएबल के अंदर, और दूसरा कर्सर जो था वो आपका यहाँ से अब नीचे आ गया। ओके दोस्तों, यहाँ पे इसने स्टार को प्रिंट किया, स्टार प्रिंट करने के बाद फिर सिलेक्शन करके और स्क्रीन पे नीचे आएगा, और यू एंटर्ड
सी एच उस कैरेक्टर को ये शो कर देगा। ओके दोस्तों, ये था गेट कैर का आउटपुट। अब इस गेट कैर की जगह यूज करते हैं अगर इस तरीके से गेट सी एच ई फंक्शन को, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये भी एक कैरेक्टर इनपुट करने का मैसेज देगा, एंटर द कैरेक्टर, और जो भी कैरेक्टर हम देंगे दोस्तों वो आपको दिखाई तो दे रहा है लेकिन एंटर करने का मौका नहीं मिला, इसलिए कर्सर आपका वहीं पर रहेगा और स्टार भी आपको ए के बराबर में ही शो होगा दोस्तों। और उसके बाद फिर यू एंटर्ड ए ये दिखा रहा है इस प्रिंटफ की वजह से कि आपने कौन सा कैरेक्टर प्रेस किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर इस लाइन की जगह हम लिखते हैं सी एच इक्वल टू गेट सी एच फंक्शन। ये दोस्तों वही गेट सी एच है जो हम प्रोग्राम के लास्ट में यूज़ करते हैं। तो गेट सी एच से क्या होगा दोस्तों कि जब आप एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा और वो कैरेक्टर टच करते ही तुरंत इसमें स्टोर हो जाएगा और कर्सर भी वहीं पे रहेगा, इसलिए स्टार आपको बराबर में वहीं पे दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों, तो गेट सी एच से कैरेक्टर इनपुट भी होता है लेकिन विदाउट ई को, बिना दिखाई दिए और बिना एंटर किए। और जब नीचे आएगा स्टार प्रिंट करने के बाद तो यहाँ दिखाएगा आपने ए प्रेस किया था। अब आप शायद समझ रहे होंगे जो स्टार स्टार आते हैं पासवर्ड भरते टाइम, तो वो सी लैंग्वेज में गेट सी एच फंक्शन की हेल्प से ही बनाया जा सकता है उस तरह के प्रोग्राम को। ओके दोस्तों, लेकिन अभी भी हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, अब हम आपको बताएंगे इसको प्रोग्राम को रन करने के बाद। दोस्तों मैंने पूरा प्रोग्राम सेम टाइप कर लिया जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, और अब इसको हम रन करते हैं दोस्तों। तो रन पे किया और हमने दोस्तों ने फंक्शन यूज़ कर रखा है गेट कैर। तो गेट कैर से क्या आउटपुट आएगा वो हम पीछे बता चुके हैं आपको। अब देखिए ये लिखा है एंटर द कैरेक्टर, सपोज हमने ए टाइप करके एंटर किया तो कर्सर नीचे आया और नीचे स्टार भी आ रहा है और यू एंटर के आगे वो कैरेक्टर ने प्रिंट किया। ओके दोस्तों, अब हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अब की बार हम गेट सी एच ई। तो ये हमने गेट कर यहाँ से हटाया और गेट सी एच ई को यूज़ किया और अब इसको फिर से रन करते हैं। इसको हम यहाँ से रन करेंगे और ये दोस्तों रन हो गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एंटर द कैरेक्टर, हमने सपोज वही ए प्रेस किया और टच करते ही कर्सर आगे चला गया और उसमें एंटर करने का मौका नहीं मिला, इसलिए स्टार जो है वो बराबर में आ रहा है ए के ऊपर। फिर यू एंटर में दिखा रही है कि वही कैरेक्टर ने क्या प्रेस किया था। अब हम क्या करेंगे गेट सी एच को लगाते हैं और इसको भी रन करके देखते हैं। तो इसको भी रन करते हैं दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए हमने ए टच किया सपोज़, और जैसे ए टच करेंगे तो टच करते ही कर्सर नीचे आ गया, आपको वहाँ सिर्फ स्टार दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों, तो ये था इन दोनों तीनों फंक्शन में डिफरेंस कि क्या गेट सी एच ई से होता है, क्या गेट सी एच से होता है, क्या गेट कैर से होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।